वगैरह नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया, स्वागत है आपका इस नए सेशन में। गाइस अपना एक चैप्टर हो चुका है आईएफएम, वो मैंने पूरा का पूरा तुम लोगों को उसका थ्योरी करवा दिया है। सेम टू सेम वे में मैं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करवाऊंगा। इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिए, बट कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स है इसके जो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट पूछ सकता है एंड वी शुड डू इट थरली। तो चलो फटाफट अपना एएफएम का मैजिक बुक ओपन कर लो सो दैट द मैजिक विल बिगिन ऑन अ इमीडिएट बेसिस। अगर आपके पास मैजिक नोटबुक नहीं है देन इन दैट केस टेलीग्राम चैनल जिसका मैं लिंक कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कैसा लगा आपको फर्स्ट सेशन IFM की थ्योरी का, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड ऑब्वियसली स्टे सब्सक्राइब्ड, क्लिक द बेल आइकन सो दैट और ऐसे जो भी अपडेट्स है आपको मिलते जाए एंड यू आर कनेक्टेड। ओके गाइस, कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं एंड स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। एकदम क्विक फायर लेवल पे करेंगे सो दैट कम टाइम में मैक्सिमम कवरेज भी हो जाए और आप लोग इस चीज को बार बार रिवाइज भी कर पाओ, विच इज वॉट यू वॉन्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। सो यहाँ पे अपन लोग को दिख रहा है तीन चीजें, मर्जर्स एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। मैं आप लोगों को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ क्या होता है मर्जर। सो जब एक्सॉन और मोबिल मर्ज हो गए एक दूसरे के साथ तो बन गया एक्सॉन मोबिल, तो उसको बोलते हैं मर्जर। बट जब टाटा ने एयर इंडिया को अक्वायर कर लिया तो दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज द एक्विजिशन। एंड फिर बाद में जब वोडाफोन की कंपनी थोड़ी खराब होने लगी तो उसने आइडिया के साथ एक अपना कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग किया, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो ये तो मैंने आप लोगों को ऊपर ऊपर चलता है। सो मर्जर में क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, सो द इम्पैक्ट इज ए प्लस बी is equal to AB. Amalgamation of two entities to form a single entity is called as a merger. And ExxonMobil, one of the world's biggest merger tha as such, right? फिर बाद में आ जाता है acquisition. Acquisition में क्या होता है, A acquires B और अप बच जाता है A, right? So जैसे यहाँ पे Tata ने Air India को acquire किया, अब बच गया क्या, टाटा। द एक्ट ऑफ ओवरटेकिंग समथिंग एंड अक्वायरिंग टू बी योर्स इज कॉल्ड एक्विजिशन, ठीक है। ये है मैरिज के जैसा ही है कि भाई है ना कि भाई ए प्लस बी ए बी बन गए, यहां पे अक्वायर होके ये ए अपना खुद का ही एंटिटी सेटअप कर दिया। सो टाटा इज कॉल्ड द अक्वायरर कंपनी, एयर इंडिया इज कॉल्ड द टारगेट कंपनी। एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, हाँ देखो इधर मैंने लिखवाया भी है तुम लोगों को। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट द टर्म मर्जर एंड एक्विजिशन इज ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली एज वेल। कभी कभी एक्विजिशन मर्जर को लोग ऐसे करते हैं बट प्राइमरली ब्रॉडली इस तरह से एड्रेस किया जाता है। और फिर बाद में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, अगर आपकी कंपनीज में से यू आर फेसिंग फ्यू लॉसेस या देर इज अ बिजनेस रिस्क दैट यू आर फेसिंग, तो आप कुछ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो, कुछ और डेट है उसको कम कर सकते हो एंड इक्विटीज बढ़ा सकते हो, जो अपने ट्रेड क्रेडिटर्स है उनको इक्विटी दे सकते हो। एंड दैट इज व्हाट वोडाफोन आइडिया डिड। प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग कंपनीज मैनेजमेंट फाइनेंसेस एंड ऑपरेशंस, क्यों, टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनी। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया कंपनी के मैनेजमेंट को, फाइनेंसिस को। यस, रीस्ट्रक्चरिंग में ऑल्सो रिजल्ट इन क्लोजर ऑफ अंडर परफॉर्मिंग और प्रॉफिटेबल बिजनेस यूनिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल किंगफिशर, तो किंगफिशर के बहुत सारे डिविजन्स है, बहुत सारे बिजनेसेस है, उसमें से उसने किंगफिशर एयरलाइंस को बंद कर दिया। इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज। सो इट कैन बी इंटरनल, लाइक अ न्यू इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, तो उसको बोलते हैं इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग। इट कैन बी एक्सटर्नल रिस्ट्रक्चरिंग, लाइक फॉर्मिंग अ स्ट्रेटेजिक अलायंस या जॉइंट वेंचर। जैसे वोडाफोन ने पहले अपना इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग किया और फिर आइडिया के साथ एक्सटर्नल रिस्ट्रक्चरिंग किया तो वोडाफोन आइडिया बन गया। सो दैट्स ब्रॉडली व्हाट दीज टर्म्स मर्जर एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग मींस। अब आ जाते हैं अपन लोग टाइप्स ऑफ मर्जर के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, देर आर इन ऑल फाइव टाइप्स ऑफ मर्जर। सबसे पहला है मेरा हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर का मतलब क्या होता है, जब सेम इंडस्ट्री की एंटिटी के साथ आप अपना मर्जर कर रहे हो, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज अ हॉरिजॉन्टल मर्जर, राइट। सो सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसा मैंने यहां पे लिखा है, वोडाफोन एंड आइडिया, मर्जर ऑफ कंपनीज फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री सिमिलर स्टेज मेकिंग इट अ नियर मोनोपोली टू अवॉइड कॉम्पिटिशन। देखो इंपैक्ट यहाँ पे जरूरी नहीं है
कंपटीशन अवॉइड करने के लिए ये लोग दोनों मर्ज हुए थे, बट दे थॉट दैट 1+1 इज इक्वल टू 11 हो जाएगा तो मर्ज कर लेते। तो हॉरिजॉन्टल मर्जर का कैच वर्ड्स क्या है? सेम इंडस्ट्री एट सिमिलर स्टेज। फिर बाद में आ जाता है आपका वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर में क्या होता है, या तो आप अपने सप्लायर के साथ मर्ज करते हो या तो आप अपने कस्टमर के साथ मर्ज करते हो। इसे क्या होता है कि एक लाइन ऑफ जो आप लोगों का लाइन ऑफ कमांड है वो कम हो जाएगा। तो अगर से फॉर एग्जांपल मैंने सप्लायर के साथ मर्ज कर दिया तो अब सप्लायर मेरी ही कंपनी हो गई, राइट। तो इन शॉर्ट मैं सप्लायर प्लस ट्रेडर दोनों बन गया। अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं और मैंने ट्रेडर के साथ मर्ज कर दिया तो अब मैन्युफैक्चर करके मैं ही मेरे ब्रांड नेम पे सेल कर सकता हूं। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ वर्टिकल मर्जर। इट इज अ मर्जर ऑफ कंपनीज ऑफ सेम इंडस्ट्री। भाई इंडस्ट्री सेम ही है बट अलग अलग लेवल पे, अलग अलग लाइन के ऊपर है। जैसा यहाँ पे देख सकते हो जी एंटरटेनमेंट एंड डिश टीवी। डिश टीवी का काम क्या है? ब्रॉडकास्टिंग ऑफ चैनल्स। जी टेलीविजन का काम क्या है? चैनल के ऊपर कंटेंट बनाना। तो जब ये लोग है एक ही इंडस्ट्री के, मास मीडिया, बट यहाँ पे ये लोग दोनों का जो मर्जर है दैट इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल मर्जर। दे आर नॉट इन द सेम लेवल के भाई, सेम इंडस्ट्री सिमिलर स्टेज पे नहीं है। एक ब्रॉडकास्टर है, एक पब्लिशर है, कंटेंट पब्लिशर है। सो ऑब्वियसली दे आर एट अ डिफरेंट लेवल। जब इनका मर्जर हुआ इट वॉज कॉल्ड एज अ वर्टिकल मर्जर। सो इट इज अ मर्जर ऑफ कंपनीज ऑफ सेम इंडस्ट्री बट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। आप लोगों को कमेंट करके बताते जाना है आपको क्या लगता है हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या है, आपके हिसाब से कोई वर्टिकल मर्जर इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे। ध्यान करो, व्हेन अ कंपनी अक्वायर्स इट्स रिटेलर्स इट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, एंड व्हेन इट अक्वायर्स इट्स सप्लायर्स इट इज कॉल्ड एज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मैंने बोला ना, अगर कंपनी यहाँ पे है, अपने सप्लायर को अक्वायर किया तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन, अपने कस्टमर को या ट्रेडर को अक्वायर कर लिया देन इट बिकम्स अ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। थर्ड फिर बाद में आ जाता है मेरा कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। यहाँ पे दो ऐसी कंपनीज का मर्जर जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, जैसे लार्सन एंड ट्यूब्रो एंड वोल्टास का मर्जर हुआ था, अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज का मर्जर। इट इज अ मर्जर बिलोंगिंग टू अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज। कैच वर्ड है यहाँ पे अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज, मेनली फॉर नॉन स्ट्रेटेजिक बेनिफिट। सो अभी क्या होता है, आदमी के पास जब ज्यादा पैसा आ जाता है तो वो क्या करे, तो वो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर करना चालू करता है। फॉर एग्जाम्पल अडानी ने अभी ऑफ लेट, अगर आप लोगों को पता हो तो, होलसिम सीमेंट को अक्वायर किया। अब अडानी एज सच सीमेंट इंडस्ट्री में है ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है, बट इट अक्वायर्ड द सीमेंट इंडस्ट्री। अनरिलेटेड इंडस्ट्री में एक डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिल गया कि भाई अब हम क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई करके अब हम बोल सकते हैं कि भाई हम सीमेंट इंडस्ट्री में भी है, हम अडानी पावर भी है, अडानी एयरपोर्ट्स भी है। सो दैट वेज इट इज अ कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज का अगर कोई मर्जर हो गया तो। फिर बाद में आता है को जेनरिक मर्जर। को जेनरिक मर्जर में टेक्नोलॉजी का या फिर प्रोडक्ट का अगर देर इज अ कॉमनैलिटी एंड वो मर्जर हुआ देन इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज अ को जेनरिक मर्जर। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल फेसबुक ने व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम दोनों को एक्वायर किया, तो दैट वॉज अ को जेनरिक मर्जर। दीज आर मार्केट प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन मर्जर। सो ऑब्वियसली एक टेक्नोलॉजी का एक्सटेंशन मिल गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल फेसबुक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम अगर तुम लोग नोट करोगे ना ऑलमोस्ट सेम ही काम कर रहा है, बट Instagram has a better technology, better graphics, better UI. So it is an extension of your technology by acquiring Instagram. So यहाँ पे catch word क्या है? Market, product और technology का extension कर रहे हैं, then it becomes a co-generic merger. And last है reverse merger, जब कोई छोटी company बड़ी company को acquire करे। Usually तो कोई बड़ी company छोटी company को acquire करेगी ना, reverse नाम ही है। जब कोई बड़ी छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को अक्वायर करे दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स मर्जर। सर ऐसा पॉसिबल है? यस, इंडिया में ही पॉसिबल हुआ है ये। इंडिया की टाटा स्टील ने कोरस को अक्वायर किया, तो इंडिया की टाटा स्टील से वर्ल्ड की सिक्स लार्जेस्ट टाटा स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोरस वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अक्वायर कर लिया। समझ रहे हो? सो रिवर्स मर्जर हो गया। व्हेन अ लार्ज कंपनी इज बीन अक्वायर्ड और टेकन ओवर बाय अ स्मॉल कंपनी इट इज कॉल्ड एज अ रिवर्स मर्जर। Helps private company to pass lengthy process of going to public, Tata Steel acquiring Corus. So, कई बार रिवर्स मर्जर में एक बेनिफिट भी होता है कि समझो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और कोई पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, बट इट इज नॉट डूइंग दैट गुड, बट आपकी कंपनी अच्छी है और अभी आपको आईपीओ लाना है, तो आप आईपीओ का खर्चा ना करके आपकी लिस्टेड कंपनी को ही अक्वायर कर लो, ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी भी लिस्टेड हो जाएगी। सो यहाँ पे लिखा है helps private company to bypass lengthy process of going to public. So I hope ये आप लोगों को पांचों points of merger clear हो गए होंगे। फटाफट देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले था मेरा horizontal merger, same industry, same level, Vodafone Idea.
फिर बाद में आया वर्टिकल मर्जर, या तो आप सप्लायर के साथ कर सकते हो या आप अपने कस्टमर के साथ कर सकते हो। फॉरवर्ड वर्टिकल मर्जर, बैकवर्ड वर्टिकल मर्जर। सो सप्लायर के साथ किया तो बैकवर्ड वर्टिकल मर्जर, ट्रेडर या अपने कस्टमर के साथ किया तो फॉरवर्ड वर्टिकल मर्जर। फिर बाद में आता है अपना कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज में अगर आप लोगों ने कोई मर्जर किया, देन इन दैट केस एलएनटी एंड वोल्टास क्यों करेगा अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज के साथ में मर्जर? डाइवर्सिफिकेशन के लिए, वो पॉइंट लिखकर आने का। फोर्थ पॉइंट, को जेनरिक, अगर आपने टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन मार्केट या प्रोडक्ट एक्सटेंशन के लिए किया, देन इट इज अ को जेनरिक मर्जर। फेसबुक ने इंस्टाग्राम को अक्वायर किया टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन के लिए, फेसबुक ने व्हाट्सएप को अक्वायर किया इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए, कि भाई अब सारी की सारी जो भी कम्युनिकेशन है वो सब व्हाट्सएप के थ्रू भी हो जाएगा। सो इट वॉज अ मार्केट प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन बाय फेसबुक अक्वायरिंग व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। एंड लास्ट रिवर्स मर्जर, कोरस बीइंग अक्वायर्ड बाय टाटा स्टील। कोरस स्टील वाज अ बिगर कंपनी देन टाटा स्टील, फिर भी टाटा स्टील ने उसको अक्वायर कर दिया। सो दैट बेसिकली मींस दैट लार्ज कंपनी अक्वायर्ड ओवर और टेकन ओवर बाय अ स्मॉल कंपनी इज कॉल्ड एज रिवर्स मर्जर। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? डन सर। उसके बाद में मर्जर के बाद में आ जाता है अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड दैट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज द टेक ओवर। अब टेक ओवर बेसिकली क्या होता है कि एक होता है आप प्यार से बोलो चल भाई आ जा मेरे साथ मर्ज हो जा, दूसरा होता है कि वो बोलेगा कि नहीं नहीं आता जा, देन इन दैट केस आप क्या करोगे? टेक ओवर कर लोगे। आप ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट कर दोगे कि सामने वाली कंपनी को हाँ बोलना ही पड़ेगा एंड आपका टेक ओवर सक्सेसफुल हो जाएगा। देखो नॉर्मली एक्विजिशंस आर फ्रेंडली, चल आ जा मैं तेरे को टेक ओवर, मैं तेरे को अक्वायर कर रहा हूं, तेरे को जो पैसा चाहिए वो ले ले और अक्वायर हो जा। हाउएवर व्हेन द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन इज अनफ्रेंडली, ठीक है, और हॉस्टाइल, देन इट इज रिफर्ड टू एज द टेक ओवर। अब इसमें टेक ओवर में चार तरीके होते हैं, तो ये सब एग्जाम में आ सकते हैं आप लोग, क्योंकि एमसीक्यू के लिए सो वी शुड नो इट प्रॉपरली। सबसे पहला टेक ओवर है समथिंग कॉल्ड एज अ स्ट्रीट स्वीप। व्हेन द अक्वायरिंग कंपनी क्या करेगा, इतने सारे शेयर्स खरीद लेगा आपकी कंपनी के कि अब आपके पास कोई चॉइस ही नहीं बचेगा। जब अडानी ने एनडीटीवी के इतने सारे शेयर्स खरीद लिए कि एनडीटीवी हैड नो चॉइस बट टू गेट अक्वायर्ड बाय अडानी, वेयर अक्वायरिंग कंपनी अक्यूमुलेट्स लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स इन अ टारगेट एंड देन मेक्स एन ऑफर, इट हैज टू अग्री एंड इट इज लेफ्ट विद नो चॉइस व्हाटसोएवर। समझ रहे हो? सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रीट स्वीप। तो ये अगेन आप लोगों के एमसीक्यू के लिए आ सकता है भाई, एमसीक्यू के लिए वो पूछेगा, वेयर अक्वायरिंग कंपनी अक्यूमुलेट्स लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स इन अ टारगेट देन मेक्स एन ऑफर टू द टारगेट कंपनी, ठीक है, एंड टारगेट कंपनी इज लेफ्ट विद नो चॉइस, तो वो क्या टाइप ऑफ टेक ओवर हुआ? 1 2 3 4, इट बिकम्स अ स्ट्रीट स्वीप। समझ में आया? दिस इज हाउ द एमसीक्यू में भी फ्रेम। नेक्स्ट होता है बेयर हग। बेयर हग कैसा है पता है क्या? बेयर हग इज लाइक के भाई जाओगे आप कंपनी में स्टाइल में बॉलीवुड हीरो के जैसे, ये ले ब्लैंक चेक, जो अमाउंट भरना है भर दे, आज से तुम्हारी कंपनी हुई हमारी, उसको बोलते हैं बेयर हग। व्हेन द अक्वायरर थ्रेटन्स द टारगेट कंपनी टू मेक एन ओपन ऑफर, द बोर्ड ऑफ टारगेट कंपनी अग्रीज टू अ सेटलमेंट विद अक्वायरर फॉर चेंज ऑफ कंट्रोल। अब आप क्या बोलोगे ना, सामने वाला देखो आपको बोल रहा है भाई चलो ब्लैंक चेक भर दे, भर के हो गया बेयर हग। फिर बाद में आते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस। कई बार आप क्या करते हो, रादर देन अक्वायरिंग और टेकिंग ओवर आप एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते हो, फिर धीरे 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 पार्टनरशिप में आ गए अभी आप लोग एक बार, फिर बाद में आप धीरे धीरे उनके सारे डिविजन एंड डिपार्टमेंट्स को अक्वायर करो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक अलायंस। एंड लास्ट इज ब्रांड पावर। एट टाइम्स व्हेन योर ब्रांड पावर इज वेरी गुड, तो आप अपने ब्रांड पावर को यूज करके उस कंपनी को अक्वायर कर लेते हो। सो स्ट्रेटेजिक अलायंस इन्वॉल्व्स डिसआर्मिंग द अक्वायरर बाय ऑफरिंग अ पार्टनरशिप रादर देन अ बायआउट। द अक्वायरर धीरे धीरे असर्ट्स कंट्रोल फ्रॉम विद इन एंड टेक ओवर द टारगेट कंपनी। एंड लास्ट है ब्रांड पावर। योर अलायंस विद पावरफुल ब्रांड्स इज मेड बाय अक्वायर टू डिसप्लेस द टारगेट ब्रांड एंड वीकन द टारगेट ब्रांड। डन। सो ये हो गया मेरा टेक ओवर। इसके बाद में आ जाता है मेरा डिफेंसिव टैक्टिक्स। अब डिफेंसिव टैक्टिक्स क्या होता है? अगर आपको कोई टेक ओवर करने को आ रहा है तो चुपचाप आप टेक ओवर नहीं हो जाओगे, अब आप ट्राई करोगे उसको फाइट करने का, उसको बोलते हैं डिफेंसिव टैक्टिक्स फ्रॉम अ टेक ओवर। सो टैक्टिक्स यूज बाय टारगेट कंपनी टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम हॉस्टाइल टेक ओवर थ्रू अ टेंडर ऑफर। सो अभी यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है जिसको यूज करके आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो फ्रॉम दीज टेक ओवर। क्या थे ये टेक ओवर? सबसे पहला स्ट्रीट स्वीप, अडानी एनडीटीवी खत्म, टेक ओवर स्ट्रीट स्वीप कर लिया सीधा, इतना सारे शेयर्स खरीद लिए अडानी ने एनडीटीवी के, बात ही खत्म। फिर दूसरा बेयर हग,
चेक ऑफ जो अमाउंट चेक चाहिए डन। स्ट्रेटेजिक अलायंस कर सकते हो आप, ब्रांड पावर के थ्रू भी टेक ओवर कर सकते हो। अब अगर आपको इसको डिफेंड करना है तो व्हाट आर द वेज इन विच यू कैन डिफेंड, यहाँ पे दिया है। सबसे पहला है मेरा डाइवेस्टिचर। डाइवेस्टिचर होता है कि से फॉर एग्जांपल आपके पास पांच एंटिटीज है, उस पांच एंटिटीज या पांच डिविजन है, उसमें से कुछ डिविजन को आप स्पिन ऑफ कर दोगे एंड उसका एक सेपरेट एंटिटी बना लोगे। अब वो ऐसा पांच एंटिटी को तो टेक ओवर नहीं कर पाएगा, तो उसमें यू आर सेव। तो सबसे पहला तरीका है कि आप क्या कर दो, डाइवेस्टिचर कर दो, स्पिन ऑफ इंपॉर्टेंट बिजनेस एज अ सेपरेट कंपनी और एंटिटी। से फॉर एग्जांपल आपका कोई कंपनी है एक्स वाई जेड और उसके अंदर तीन चार डिविजन है, तो उसमें से जो मेन डिविजन है उसको आप स्पिन ऑफ करके एक नया एंटिटी बना दोगे एबीसी। बाकी अब वो एक्स वाई जेड में जो आपका मेन है उसमें तीन एंटिटी बची है, बट वो इतनी पावरफुल नहीं है, जो पावरफुल है उसका नाम चेंज हो गया है, तो वो जब टेक ओवर करने के लिए आएगा वो तो मेन एंटिटी के लिए आएगा, उसको ये वाली एंटिटी मिलेगी नहीं एंड ही मे नॉट डू द टेक ओवर, तो उसको बोलते हैं डाइवेस्टिचर। क्राउन ज्वेल भी ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ ही है, तो डाइवेस्टिचर क्राउन ज्वेल साथ में ही होता है। अगेन आपकी जो मेन एंटिटी है उसको साइड पे रख दो। डाइवेस्टिचर में क्या करते हैं वो लोग कि समझो एबीसी लिमिटेड है तो ए कंपनी बी कंपनी सी कंपनी ऐसे अलग अलग बहुत सारी कंपनीज बना देंगे, बट क्राउन ज्वेल में बेसिकली व्हाट इज डन इज कि खाली एक ही जो मेन उसका डिपार्टमेंट है उसको वो लोग साइड पे कर देंगे, दैट बेसिकली इज क्राउन ज्वेल। सेलिंग ऑफ कंपनीज मोस्ट ल्यूक्रेटिव एसेट्स और बिजनेस, हाउएवर इट इज नॉट इजीली अलाउड इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज। देखो आप अगर आप अपनी कंपनीज का एसेट्स बेचोगे तो बाकी के शेयर होल्डर्स ऐसे थोड़ी ना बेचने देंगे, तो इसके लिए क्राउन ज्वेल करना इतना आसान नहीं है, बट दैट्स व्हाट इट मींस। फिर आता है पॉइजन पिल। ट्विटर को जब एलॉन मस्क अक्वायर करने का प्लान कर रहा था तो ट्विटर के जो शेयर होल्डर्स थे, ट्विटर के जो ओनर्स थे, उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। पॉइजन पिल नाम से समझ में आ रहा है, जब आप खुद ही अपने पॉइजन पिल को खा लो, मतलब क्या करेंगे ये लोग पता है क्या आपको, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो शेयर होल्डर्स को एकदम कम प्राइस के ऊपर अपने शेयर्स देना चालू कर देंगे, तो अब जो अक्वायरर है उसको लगेगा कि अरे ये तो इतना सस्ते में मिल रहा है, सो ही विल नॉट वॉन्ट टू अक्वायर दैट कंपनी। भाई अगर बहुत सारे जन को फ्री में अगर शेयर्स मिल गए, कम प्राइस में डिस्काउंटेड में मिल गए, तो अगर अपन ने अक्वायर कर लिया तो उस कंपनी का तो वैल्यू ही नहीं रहेगा। सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव डन अ सुसाइड। भाई अपना खुद का शेयर सस्ते में देना एक सुसाइड ही है ना, पॉइजन पिल। समटाइम्स एन अक्वायरिंग कंपनी इटसेल्फ बिकम्स अ टारगेट व्हेन इट इज बिडिंग फॉर अनदर कंपनी। टैक्टिक्स यूज्ड बाय अक्वायरिंग कंपनी टू मेक इटसेल्फ अनअट्रैक्टिव टू अ पोटेंशियल बिडर, समझ रहे हो। So, यहां पे जो पोटेंशियल बिडर है उसके सामने अपन अनअट्रैक्टिव खुद ही हो जाने का, हो गया पॉइजन पिल। फिर बाद में होता है पॉइजन पुट। यहां पे क्या होता है कि आप जानबूझ के बॉन्ड्स इशू करते हो एंड बहुत ज्यादा बॉन्ड्स इशू कर देते हो, अब उसे क्या होगा, जो अक्वायरर है उसको लगेगा कि यार इतना अगर कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज है तो फ्यूचर में तो बहुत सारा कैश फ्लो कैश आउटफ्लो होगा, अगर इतना सारा बॉन्ड इशू किया है तो उसका कैश आउटफ्लो होगा फ्यूचर में, सो उसकी वजह से फिर अक्वायरिंग नहीं करते हैं लोग, उसको बोलते हैं पॉइजन पुट। बॉन्ड्स इशूड फॉर कैश इन अ हायर प्राइस क्रिएटेड फॉर हाई फ्यूचर क्रैश ड्रेनेज। फिर बात है व्हाइट नाइट एंड व्हाइट स्क्वायर। यहां पे व्हाइट नाइट में क्या होता है, टारगेट सेल्स मेजर स्टेक टू अ फ्रेंड कंपनी। सो मैं क्या करूंगा, मेरा मेजर स्टेक एक फ्रेंड को बेच दूंगा या फिर कोई अनरिलेटेड कंपनी होगी उसको मैं अपना सेल कर दूंगा। तो जब मैं अपनी फ्रेंड कंपनी को बेचता हूँ इट इज कॉल्ड एज व्हाइट नाइट, मैं कोई अनरिलेटेड कंपनी को सेल करता हूँ तो इट इज कॉल्ड एज व्हाइट स्क्वायर, खाली टेम्पररी बेच रहा हूं। फिर बाद में जब मैं अनअट्रैक्टिव हो जाऊंगा टेक ओवर के लिए तो मैं वापस से उसको रिक्वायर कर लूंगा। यू आर द टारगेट सेल्स मेजर स्टेक टू अ फ्रेंड कंपनी टू अवॉइड द टेक ओवर फ्रॉम द ऑफर फ्रॉम द अक्वायर, दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड एज व्हाइट नाइट। However, when a minority stake is sold to uninterested company so that the target management can retain control, उसको बोलते हैं white square। Friend को बेचा white knight, uninterested company को बेचा some part, that is called as white square। फिर बाद में होता है golden parachute। Here the management of the target, अब यहाँ पे क्या है, suppose for example मैं promoter हूँ, मुझे पता है कि अभी भाई hostile takeover होने वाला है, तो उससे मैं क्या करूंगा, अपने आप को ही बहुत बड़ा एक हेफ्टी रेम्यूनरेशन दे दूंगा और बोल दूंगा भाई मैनेजमेंट फीस पेड। योर मैनेजमेंट ऑफ द टारगेट कॉम्पेंसेट देमसेल्फ विद हेफ्टी एग्जिट पैकेजेस, इसको बोलते हैं गोल्डन पैराशूट। या हाँ, पैराशूट मिल गया, मतलब अभी अपन लोगों को किसी ने प्लेन से फ्लाइट से धक्का दिया,
बट मेरे को पैराशूट मिल गया, मैंने इतना बड़ा पैकेज ले लिया कि अब मेरा वो आके अक्वायर भी करेगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। फिर बाद में आता है ग्रीन में, यहाँ पे टारगेट मैनेजमेंट ऑफर्स द अक्वायरर अ हायर प्राइस टू रीपर्चेज द शेयर्स बॉट बाय द अक्वायरर कंपनी। सो यहाँ पे जो मैनेजमेंट कंपनी है ये खुद ही अक्वायरर को बोलती है भाई हायर प्राइस दे हमारे को। अभी बोलो फॉर एग्जाम्पल 500 पर शेयर है दे रहे हैं, हम बोलेंगे नहीं 750 पर शेयर चाहिए, तो हम लोग आ जाएंगे, उसको बोलते हैं ग्रीन मेल। एंड लास्ट इज पैकमैन डिफेंस, वो अगर अपने को टेक ओवर करने को जाएगा तो हम ही उसको बोल देंगे कि हम तेरी कंपनी में शेयर्स खरीद लेंगे, रिवर्स टेक ओवर करते हैं हम लोग, आ जा, उसको बोलते हैं पैकमैन डिफेंस। तो सर इतनी सारी चीजें याद कैसे रहेगी, रिवाइज करके बार बार मैंने जो बोला उसको सुन लो तो याद रह जाएगी। अब मैं बताता हूँ वापस से। सबसे पहले डाइवेस्ट टीचर, डाइवेस्ट टीचर में ए बी सी होता है, ए को स्पिन ऑफ कर दो, बी को स्पिन ऑफ कर दो, सी को स्पिन ऑफ कर दो, अब वो अक्वायरर के लिए ए बी सी कंपनी अट्रैक्टिव नहीं है। फिर क्राउन ज्वेल, ए बी सी कंपनी है उसमें से सी बहुत अट्रैक्टिव और अच्छी कंपनी है, उसको स्पिन ऑफ कर दो ए बी सी से, तो अब ए बी सी कंपनी अट्रैक्टिव नहीं रही, अपने आपका जो क्राउन ज्वेल था जो हीरा था उसी को आपने निकाल दिया, स्पिन ऑफ कर दिया। फिर आता है पॉइजन पुल, जानबूझ के खुद ही के कंपनी के शेयर सस्ते में मार्केट में बेचना चालू कर दो, जो अक्वायरर है उसके लिए आपका जो कंपनी है दैट विल बिकम अनअट्रैक्टिव। फिर बाद में आता है पॉइजन पुट, जानबूझ के बॉन्ड्स इशू करो, फ्यूचर में जब अक्वायरर कंपनी आपको अक्वायर कर लेगा तो इट विल हैव टू यू नो मैनेज ह्यूज आउटफ्लो ऑफ कैश विच विल बिकम अ प्रॉब्लम। व्हाइट नाइट, अपने फ्रेंड कंपनी को एक बार के लिए मैनेजमेंट और अपना पूरा शेयर्स भेज दो फिर ही अक्वायर कर लेंगे। व्हाइट स्क्वायर, कोई अनइंटरेस्टेड कंपनी को अपना मैनेजमेंट पार्ट या एक स्टेक सेल कर सकते हो। गोल्डन पैराशूट, भाई मैं गिर रहा था, अब मैंने अपने आप को एक हेफ्टी पैकेज दे दिया, 10 करोड़ रुपए अपने आप को ही दे दिया पैकेज कंपनी से ही, तो अब 10 करोड़ कंपनी से गया तो बचा क्या कंपनी में, तो अक्वायर लेगा ही नहीं, गोल्डन पैराशूट। फिर होता है ग्रीन मेल, अगर वो मेरे से 500 मांग रहा है तो मैं उसको बोलता हूँ नहीं मेरे को 500 देने को रेडी है, मैं बोलता हूँ नहीं मेरे को 1500 चाहिए तो ही मैं अपने आप को सेल करूंगा। और लास्ट में आता है पैकमैन डिफेंस, अगर मेरे को कोई खरीद रहा है तो मैं उसको सामने उसके ही कंपनी में शेयर्स खरीदूंगा। इट इज अ स्ट्रेटेजी वेयर टारगेट मेक्स काउंटर ऑफर ऑफ बाइंग द स्टेक इन द अक्वायरिंग कंपनी। याद रहेगा डाइवेस्ट टीचर, क्राउन ज्वेल, पॉइजन पुट, पहले पॉइजन पिल, फिर पॉइजन पुट, व्हाइट नाइट, व्हाइट स्क्वायर, फिर गोल्डन पैराशूट, ग्रीन मेल, पैकमैन डिफेंस, डन। फिर बाद में आ जाते हैं मूव्स और इंटेंशंस बिहाइंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन। क्यों होता है ये सब मर्जर एंड एक्विजिशन और ये सब चीजें क्यों हो रही है? फॉर फ्यू सिंपल रीजन। सबसे पहले आपको एफिशिएंसी मिल जाता है। देखो से फॉर एग्जाम्पल, एक है वॉलमार्ट, एक है फ्लिपकार्ट। अब वॉलमार्ट ने जब फ्लिपकार्ट को मर्ज किया, अक्वायर किया, तो ऑब्वियसली वॉलमार्ट एक ऐसी कंपनी है जो 40 ईयर से है इस बिजनेस में, सो इट विल ट्राई टू क्रिएट इट्स ओन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो खुद के बिजनेस में और फ्लिपकार्ट एज वेल। फिर बाद में आ जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो आप एक ह्यूज लेवल पे अपना एक्सपांशन कर सकते हो बिकॉज नाउ यू हैव ह्यूज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फिर बाद में आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन, सो ऑब्वियसली अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे, जैसे मैंने बोला था आपको आज अडानी ने सीमेंट बिजनेस में भी चले गया तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया, कहाँ अडानी पोर्ट्स और पावर और ये सब में था, सीमेंट बिजनेस में आ गया, मर्ज करके डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। टैक्स बेनिफिट मिलता है मर्जर्स का, मर्जर्स करने से स्ट्रेटेजिक बेनिफिट मिलता है। ऑब्वियसली देखो कुछ जगहों पे किधर का ज्योग्राफिक लोकेशन बेटर होता है, सो आप कुछ कंपनीज को इसलिए अक्वायर करते हो बिकॉज यू गेट अ बेनिफिट ऑफ दैट ज्योग्राफिक लोकेशन। फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलता है बिकॉज आपका ईपीएस एमपीएस बढ़ने का भी चांसेस रहता है बिकॉज 1 + 1 इज इक्वल टू 11 एंड दैट्स व्हाट आर द मूव्स और इंटेंशन बिहाइंड मर्जर एंड एक्विजिशन। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डाइवर्सिफिकेशन, टैक्स बेनिफिट्स, ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको मिलता है ईपीएस एमपीएस इंक्रीज होके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली मैनेजमेंट बाय आउट एंड लेवरेज बाय आउट। सिंपल है, लेवरेज बाय आउट का मतलब ही होता है कि आप लोन लो और किसी कंपनी को अक्वायर करो। मैनेजमेंट बाय आउट का मतलब होता है मैनेजमेंट खुद ही किसी और कंपनी को या कई बार अपने खुद की कंपनी को भी बाय आउट कर लेती है। जैसे यदि एग्जांपल है नीचे, टाटा टी इंडिया अक्वायर्ड टेटली यूके बाय 77% डेट, तो उसको बोलते हैं एलबीओ, लेवरेज्ड बाय आउट। तो आपने बाय आउट के लिए एक बहुत बड़ा लोन लिया और आपने एक कंपनी को अक्वायर कर लिया। मैनेजमेंट बाय आउट में आप इंटरनली अपने इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे अक्वायर करते हैं। सो बाय आउट इज इनिशिएटेड बाय द मैनेजमेंट टीम, कंपनी इज बाय बॉट बाई इट्स ओन मैनेजमेंट टीम। किसी के पास अपने को लोन लेने की जरूरत नहीं है। यूज फॉर एग्जिस्टिंग डिविजन, नॉट पार्ट ऑफ कोर बिजनेस। अगर
मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू अक्वायर अ सर्टेन एंटिटी और अ डिविजन, इट कैन डू ऑन इट्स ओन मनी. बट अगर आप एक्विजिशन फाइनेंस कर रहे हैं बोरोड फंड्स के साथ, इन द डील फर्म्स फिजिकल एसेट्स आर ऑल्सो अक्वायर्ड, तो इट इज अ लेवरेज्ड बायआउट. एलबीओ हेल्प्स टू इंक्रीज द कैश फ्लो ऑफ द फर्म, देयर बाय इंप्रूविंग द ऑपरेशनल एफिशियंसी एंड वॉल्यूम ऑफ सेल्स. सो अगर ऐसा लेवरेज बायआउट हो जाता है, देन इन दैट केस कैश फ्लोज बढ़ सकता है, बिकॉज आपने जो बायआउट किया है वो एंटिटी से, ऑब्वियसली देयर इज अ चांस दैट यू मे अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी. फिर बाद में होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाइवेस्टमेंट, डीमर्ज्ड डाइवेस्टिचर. देखो, एक होता है इन्वेस्टमेंट, जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में. एक होता है डाइवेस्टमेंट, जब आप पैसा निकालते हैं किसी कंपनी से. सो पहला है जिसको बोलते हैं पार्शियल सेल ऑफ या टोटल सेल ऑफ. कोई भी आपने एसेट को, फैक्ट्री को, डिविजन को, प्रोडक्ट को, सब्सिडरी को आपने अगर सेल कर दिया, कोई अनवॉन्टेड सब्सिडरी को आपने सेल कर दिया टू रेज कैश, देन इट इज कॉल्ड एज सेल ऑफ और पार्शियल सेल ऑफ. नेक्स्ट इज स्पिन ऑफ. स्पिन ऑफ मतलब क्या होता है, एक एंटिटी को साइड पे कर दो, बेच दो, उसका कुछ अलग एक नाम कर दो. जैसे यहां पे देखो एग्जांपल, किशोर बियानी लेड फ्यूचर ग्रुप स्पिन ऑफ कर दिया उसने अपने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बिजनेस को. तो बिग बाजार अलग, ई जोन अलग, देखो उसका नाम भी रखा था ई जोन. सो उसको क्या किया वो लोग ने, स्पिन ऑफ. अ पार्ट ऑफ द बिजनेस इज सेपरेटेड एंड क्रिएटेड एज अ सेपरेट फर्म. The existing shareholders of the firm get proportionate ownership. So, ये था अपना spin-off. फिर बाद में split-up. So, ये spin-off जैसा ही है. Involves breaking of the entire firm into series of spin-off. बहुत सारे अलग अलग entities. A, B, C. Divestiture जैसा ही है. A, B, C. वैसा. तो spin-off में crown jewel जैसा. एक ही को बार, बोलता ना, अलग उसको स्पिन ऑफ किया, यहाँ पे स्प्लिट अप कर दिया. बहुत सारे एंटिटीज है, फॉर एग्जांपल टाटा सन्स है, तो टाटा सन्स पहले हुआ करता था, फिर उसने स्पिन ऑफ किया टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील. सो दैट इज अ स्पिन ऑफ. फिर आता है इक्विटी कार्व आउट. क्या होता है, कई बार से फॉर एग्जाम्पल आपकी एक पेरेंट कंपनी है ए, ठीक है, अब इस पेरेंट कंपनी के आपने बनाए सब्सिडियरी बी, या चलो एक्स लेते हैं इसको, तो आपने बनाई सब्सिडियरी एक्स वाई जी. अब अगर आपने यहां पे ये तीन सब्सिडियरी बनाई है, इसमें से इसका टोटल टर्नओवर है 100 करोड़, ए का, एक्स का टर्नओवर है 10 करोड़, वाई का है 20 करोड़, एंड जी का है से 15 करोड़. एक साल के बाद ये जी का टर्नओवर हो जाता है 85 करोड़. मतलब मालूम पड़ा इसका ऑलमोस्ट जो सब्सिडियरी है, ये सब्सिडियरी का ही टर्नओवर ऑलमोस्ट पेरेंट जैसा हो जाता है. तो फिर इसको इक्विटी कार्व आउट कर देंगे. क्या कर देंगे, इसको इक्विटी कार्व आउट कर देंगे, इसको इक्विटी, इसको कर देंगे इक्विटी कार्व. तो अगर कोई एक सब्सिडियरी उसका वैल्यू बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है, देन इन दैट केस वो खाली उतने पार्ट को साइड पे कर देंगे, कॉल्ड एज इक्विटी कार्व. सो कार्व आउट इज अ स्ट्रेटेजिक एवेन्यू. स्प्लिट अप भी पढ़ लेता हूं. इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग अप द एंटायर फर्म इनटू सीरीज ऑफ स्पिन ऑफ. द पेरेंट फर्म नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड ओनली न्यूली क्रिएटेड एंटिटीज सर्वाइव. इसको बोलते हैं स्प्लिट अप. फिर बाद में आता है इक्विटी कार्व आउट. अ कार्व आउट इज अ स्ट्रेटेजिक एवेन्यू ऑफ अ पेरेंट फर्म मे टेक व्हेन वन ऑफ इट्स सब्सिडियरीज इज ग्रोइंग फास्टर एंड कैरिंग हायर वैल्यूएशंस देन द अदर बिजनेसेस ओन्ड बाय द पेरेंट. अ कार्व आउट जनरेट्स कैश बिकॉज़ शेयर्स इन सब्सिडियरी आर सोल्ड टू द पब्लिक. उसको बोलते हैं इक्विटी कार्व आउट. आई होप वी आर क्लियर. नेक्स्ट फिर बाद में आ जाता है रिवर्स स्टॉक स्प्लिट. रिवर्स स्टॉक स्प्लिट को है ना, एक एग्जांपल के थ्रू मैं तुम लोगों को समझाता हूं, तो उससे तुम लोगों को बेटर समझ में आएगा. ये देखो, समझो कोई स्टॉक है रुपीज 100 का, ठीक है. अब एक होता है स्टॉक स्प्लिट. स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, से मैं इसको 20 के शेयर्स में डिवाइड कर दूंगा, तो 20 20 20 20. तो एक स्टॉक 100 का था, अब मैंने स्टॉक को स्प्लिट कर दिया कितने में, 20 20 20 20 में. रिवर्स स्टॉक स्प्लिट क्या होगा, से फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा स्टॉक है 10 का, ऐसे 5-10 के स्टॉक्स है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको कंसोलिडेट कर दूंगा, और एक 10 का मैं कंसोलिडेट कर दूंगा और टोटल कर दूंगा रुपीज 50. तो कंसोलिडेशन ऑफ मेनी शेयर्स इनटू वन शेयर इज कॉल्ड एज रिवर्स स्टॉक स्प्लिट. नाम से सुन के लगता होगा वो क्या है, बट है एकदम सिंपल. तो क्या है ये रिवर्स स्टॉक स्प्लिट.
समझ में आ गया, जो बहुत सारे शेयर्स है उसको कंबाइन करके एक कर देंगे। अब स्टॉक स्प्लिट कौन से कंपनी को करने की जरूरत है, एमआरएफ, जिसका शेयर का वैल्यू है 1,25,000, 1,20,000, वैसा। और वैसे ही बहुत सारे शेयर्स है, जैसे एक जीटीएल इंफ्रा, उसके शेयर का वैल्यू है 2 रुपया, तो उसको रिवर्स स्टॉक स्प्लिट करना चाहिए। तो 2-2 रुपए के शेयर, 5 शेयर बना के एक 10 रुपए का एक शेयर दे देना चाहिए, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट इज अ प्रोसेस वेयर बाय कंपनी डिक्रीजेस द नंबर ऑफ शेयर्स। ये देखो इधर, ये देखो पहले कितने शेयर्स थे, 10 रुपए का एक शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, 4 शेयर, 5 शेयर, अब एक ही शेयर हो गया 50 रुपए का। समझ में आया एवरीबॉडी? हाँ। बाय कंबाइनिंग करंट शेयर्स विद इनटू फ्यूअर और लेसर नंबर ऑफ शेयर्स, फॉर एग्जांपल इन अ 5:1 रिवर्स स्प्लिट, कंपनी वुड टेक बैक 5 शेयर्स एंड विल रिप्लेस देम विद 1 शेयर। ऑल्दो रिवर्स स्टॉक स्प्लिट डज नॉट रिजल्ट इन चेंज इन द मार्केट वैल्यू और मार्केट कैप, बट इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन प्राइस पर शेयर। सो ऑब्वियस है, ये देखो ना, एक शेयर 10 रुपए का था, अब एक शेयर 50 रुपए का। क्यों होता है ये, कौन करवाता है, वो अपन लोगों को मैं दिखा देता हूं तुम लोगों को, रीजंस फॉर स्टॉक स्प्लिट। कई बार ये जो छोटे छोटे पेनी स्टॉक्स होते हैं ना, उनको सेबी बोलता है हम डीलिस्ट कर देंगे। अब पेनी स्टॉक्स 2-2 रुपए वाले, उनको डीलिस्ट ना हो तो वो रिवर्स स्टॉक स्प्लिट करके 10 रुपए के बन जाएंगे। अवॉइड डीलिस्टिंग फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, अवॉइड द टैग ऑफ पेनी स्टॉक, अवॉइड रिमूवल फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडेक्स, क्योंकि भाई रहेगा ही नहीं वो मार्केट में, उसका नामो निशान नहीं रहेगा, वैसा हो जाएगा। अट्रैक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड म्यूचुअल फंड, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड से अगर बहुत अच्छा पैसा चाहिए, दे विल नेवर इन्वेस्ट इन अ स्मॉल पेनी स्टॉक, दे विल इन्वेस्ट इन अ स्टॉक जिसका अच्छा वैल्यू है। सो अगेन, अगर आप रिवर्स स्टॉक स्प्लिट करते हो तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड म्यूचुअल फंड्स भी आने के चांसेस है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस थ्योरी इज, क्रॉस बॉर्डर एमएनए इज पॉपुलर रूट फॉर ग्लोबल ग्रोथ। क्रॉस बॉर्डर एमएनए मतलब इंडिया, अगर कोई अमेरिका की कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कोई कंपनी साउथ अफ्रीका की कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, तो ऑब्वियसली इट इज गुड, ज्योग्राफिकल एक्सपांशन हो जाता है, टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। सपोज मैं किसी दुबई की कंपनी के साथ मर्ज हो गया, टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। मैं किसी ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के साथ मर्ज हो गया, ज्योग्राफिकल एक्सपांशन मिल जाएगा। सो ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैन इंक्रीज, इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमीज, एक्सपांशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप्स, फिर मेनी कंट्रीज आर रिफॉर्मिंग देयर इकोनॉमिक एंड लीगल सिस्टम्स, एंड टैक्स इंसेंटिव्स मिल जाता है, प्राइवेटाइजेशन हो जाता है कई बार, कंसोलिडेशन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। सो ऑल ऑफ दिस इन ऑल इज द रीजन व्हाई क्रॉस बॉर्डर एमएनए इज ऑलवेज हेल्पफुल। ओके, सो इसी के साथ जैसा मैंने बोला अराउंड 30 मिनट्स एंड पूरा का पूरा थियोरी जो एक्सपेक्टेड है इस चैप्टर में से कर लिया है अपन लोग ने फ्रॉम द मैजिक बुक। चलो भाई, हमारा आज का टारगेट कंप्लीट, अब हम चले गरबा खेलने के लिए। आप बताइए, आपको हमारा गरबा देखना है इंस्टाग्राम पे लाइव, तो ज्वाइन हो जाना। एंड हाँ, लिंक मैं शेयर कर देता हूँ कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम, मस्त लाइव गरबा खेलूंगा, आप लोग भी ज्वाइन करना उसमें। एंड कैसा लगा सेशन, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, डू लाइक इट, एंड आ रहा हूँ मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्द। स्टे सब्सक्राइब, हस्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू सो मच।